छोरी हो, वो छोटी हो, वो लंबी हो, बेटे की पसंद है तो हम खुश हैं। लेकिन बस मुझे तो फैमिली से मिलना था, तो जब मैं फैमिली से मिली और फिर मैं नेहा से मिली तो मुझे भी वो उतनी ही अच्छी लगी। और भाभी आ रही थी तो कुछ आपकी भी राय थी शादियाँ? मेरी भाभी वाली तो नहीं है, मेरी दोस्ती ज्यादा है नेहा से, ठीक है। तो क्योंकि सलमान के साथ मेरी बहुत दोस्ती है, भाई भाई तो है ही लेकिन फ्रेंड भी बहुत ज्यादा है। और सलमान का आपका नंबर कैसे? मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, फिर सलमान है, फिर सलमान के बाद सलमान, ठीक है। तो मैंने उसको कभी भाभी की तरह लिया ही नहीं है, सोचा ही नहीं भाभी है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेहतर होता है, दोस्ती रहे तो जरा अच्छा। अरे चूंकि सादिया बहुत अच्छी एंकर भी है, हाँ। तो मेरा ख्याल हम लोग इधर होते हैं और सादिया को कहते हैं कि अपने भाई और भाभी को यहाँ पर बुलाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी सादिया, सबसे पहले तो मैं आप सबका आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने इतना प्यार दिया, फरा सोशल मीडिया पे लोगों ने इतना प्यार दिया, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको मिलाया जाए सलमान और नेहा से, ताकि लाइव बात भी हो जाए। और आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, आपकी भाभी कैसी हैं, कैसी दिखती हैं इन रियल, कैसी नेचर की हैं, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। हमें सब बातें बताएंगे आप, हाँ जी, कि वो इंटरेक्ट करें आप सबसे। तो मैं बुलाना चाहती हूँ सलमान फैसल और द न्यूली वेड नेहा को। क्या बात है, थैंक यू सो मच सोनू, फिजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देख लें, बहुत हमने आपके आने पे हमने सोचा कि हवाई तरफ से भी कोई कमी ना रहे। थैंक यू, अगर सादिया ने इतना कमाल परफॉर्मेंसेस की है तो आज हम यहाँ पर भी बहुत सारा कुछ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, क्या जबरदस्त ओपनिंग है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल। जबरदस्त आपने ओपनिंग की और जोश बहुत अच्छा था सब में और बड़ा अच्छा, और थैंक यू सो मच। आपने सलमान में भी ऐसा ही जोश, अभी तो सलमान का जोश देखना है, लेकिन बहुत मुबारक हो, थैंक यू, आपको भी नेहा, आपको भी, थैंक यू। और मतलब हमारी तो आप अपनी फैमिली की तरह हैं, सबा जी की बहू हैं आप, तो आप समझे हम सबकी बहू हैं मुश्तरका, तो इतनी सारी सासें जिस बहू की हो उसके लिए मतलब मुश्किल भी होता है, मुश्किल भी होता है, मोहब्बतें ज्यादा भी होती है। अच्छा, सास का ज्यादा, खाला सास, पुपी सास, चाची सास, की सोच है ना इसको कितना प्यार माशाल्लाह सारी सासों से। और हम जैसी सासें किस जुमरे में आएंगी, हम कौन सी वाली सासें? नहीं, ये देखें मेरी दो फैमिली है, एक मेरी शोबिस फैमिली और एक मेरे रिश्तेदारों की फैमिली, तो दोनों मुझे बहुत अजीज है, ठीक है। आप लोग भी बहुत अजीज है ना, हमें भी बहुत अजीज है, थैंक यू। बच्चे सब तशरीफ तो रखें, बैठे बहुत शुक्रिया। नेहा को आपने कब देखा, कहाँ देखा, कैसे पसंद किया? सलमान, आज सलमान की कहानी, सलमान की अपनी जुबानी जी। एक्चुअली इतना डिस्टेंस कर दिया, चेक करें कितने कोने में जी। एक्चुअली एक फंक्शन पे मतलब मेरी मुलाकात हुई थी, एक गैदरिंग थी उधर, तो जब मैंने पहले भी बताया था शो में कि जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला था, जब मैंने इनको देखा था तो मुझे देखने साथ प्यार हो गया था, वो था लव एट फर्स्ट साइट, मैंने पहले भी बात की थी मॉर्निंग शो में, तो बस उसको फिर कंटिन्यू किया, इनसे कांटेक्ट किया, इनको बताया। अम्मा को पता था कि बेटा? अम्मा को नहीं पता था, खाला को पता था, खाला को मैंने बता दिया था, ठीक है। फिर जब इनकी तरफ से काफी देर बाद जब रजामंदी हुई, ठीक है, तो जब मुझे पता लगा कि अब रिलेशन स्टार्ट हुआ है, तो फिर अम्मा को बताया था, अम्मा को मैंने पिक्चर सेंड की थी, अच्छा, कि अम्मा इस तरह, खाला हुआ था, खाला ने भेजी थी, अच्छा, तो अम्मा को बहुत पसंद। क्या बात है, सयाना बच्चा है, उसे पता है हाउ टू प्रोसीड और कैसे करना है। जी, बिल्कुल। लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज सलमान और नेहा नौब्याहता जोड़ा, और सेलिब्रेशन में बहुत सारा कुछ है, लेकिन ब्रेक पहले मिल रहे हैं सबा फैसल की फैमिली से, माशाल्लाह से बेटा ब्याह उन्होंने, सलमान की शादी हुई है नेहा के साथ, और आज दोनों ही हमारे मेहमान, बल्कि मेहमानाने खुसूसी मेहमानाने खुसूसी, और हम बात कर रहे हैं, सलमान ने हमें बताया कि प्योर वाली लव मैच, खालिस फर्स्ट लव इन फर्स्ट साइट, बिल्कुल ऐसे ही। और कितना अरसा लगा मोहब्बत से आज के दिन तक, शादी तक? इन दो ढाई सालों में लड़ाइयां कितनी हुई है, कितनी दफा नेहा नाराज हुई है, बस खत्म आज के बाद। आपको पता है रिलेशन की ये खूबसूरती है कि लड़ाई झगड़े ये सब कुछ चलना चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है प्यार है, ऐसा कोई मसला नहीं है। नाराज तो आपको पता है हर बीवी होती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। कौन मनाता है अभी तक? सामान दोनों ही दूसरे को कर देते, दोनों ही मनाते हैं, सही, गुड। अच्छा, किसमें नखरा ज्यादा है रिलेशनशिप में? होता है मियाँ ज्यादा नखरे में होता है, नेहा
देखो मेरा बेटा बहुत लागला, मैंने बहुत लागला पाया। मैं एक बात कह दूं, मैं बार बार कहता हूँ जो अम्मा टीवी पे आते हैं, जो अम्मी कैरेक्टर्स करती हैं, अम्मा बिल्कुल डिफरेंट है उनसे, बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, बल्कि अभी तो हम मैं और अम्मा दोनों एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम दोनों मिल के ना जो लड़की है ना उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर एक ड्रामा है, लेकिन देखें इस जिंदगी को भी, आइंदा जिंदगी को भी खूबसूरत बनाना है। जैसे पिछली जिंदगी हमारी माशाल्लाह मेरी बच्ची के साथ, मेरे बच्चों के साथ इतनी खूबसूरत गुजरी है, तो बस मेरी कोशिश है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अब जो हमारी फैमिली में एक एडिशन हुआ है उसके साथ भी हमारी आइंदा जिंदगी बहुत खूबसूरत। आमीन। बहुत अच्छा अच्छा मुझे बहुत खुशी आज हो रही है, तस्वीर में ही सही मैंने फैसल साहब को देखा है। बिल्कुल, सबा फैसल के पीछे तस्वीर जो है उसमें आपके साथ फैसल साहब मौजूद हैं। जी जी। और तस्वीर देख के मुझे पता चल रहा है कि सारे बच्चे जो हैं वो, और सलमान तो खास तौर पे, बिल्कुल फैसल की डिटो कॉपी है ये। सब ये कहते हैं। बिल्कुल, तो सब उसी उन्हीं पे गए हैं। अच्छा, तैयारियों में नेहा को साथ लेके कितना घूमी आप, क्या नहीं जरूरत पड़ी नेहा का, आपको चॉइस का खुद ही पता था? नेहा को सिर्फ मैं ज्वेलरी के लिए मैं चाह रही थी कि इसकी पसंद की होनी चाहिए, बाकी मैंने इसकी ज्यादातर शॉपिंग की अमेरिका से। और कपड़ों में नेहा को इतना बिलीव था मुझ पर कि उसने कहा माँ जी जो आप बनवाएंगी ना आप अच्छा ही बनवाएंगी। अच्छा, माँ जी कहती हैं आपको? क्योंकि सलमान मुझे माँ जी कहता है। अच्छा, माँ जी कहता हूँ। इतनी खूबसूरत अम्मा को माँ जी, आए बहुत अच्छा लगता है लोग जब माँ जी कहते हैं। तो आपके, आप अगर इनको ना देखे तो जहन में आता है एक तस्वीर पकड़ी हुई, बड़ी सी चादर ली हुई, एक बूढ़ी सी खातून। अच्छा, मुझे बच्चे वैसे सलमान, हाँ सलमान मुझे माँ जी, और सादिया अम्मा, और सलान भी कभी अम्मा कभी माँ जी कभी अम्मी। अच्छा, बहू भी नेहा? नेहा तो जाहिर है, वो सलमान जो बोल रहा था तो उसने मुझे जब माँ जी कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहू के मुंह से माँ जी सुनना वैसे भी ज्यादा उसमें लगता है। अच्छा, इतने खतरनाक कैरेक्टर करती हैं आपकी सासू माँ, कभी डर लगा है नेहा? पहले लगता था, पहले जब नहीं पता था तो मुझे होता था कि इट कैन बी वेरी वेरी बैड, यू नो, बिकॉज मुझे देखा ही नेगेटिव में था। लेकिन जब मैं मिली तो वो टोटल वो चेंज हो गया, बिल्कुल लाइक जो कॉन्सेप्ट था ना, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी लविंग, इतनी केयरिंग, इतनी स्वीट है, तो फिर मेरा डर खत्म हो गया था। एक्चुअली हमारी एंगेजमेंट को भी काफी टाइम हो गया, और घर में नेहा की अम्मी के साथ, आपा के साथ, अब्बू और सलान सबके साथ एक अपनी बॉन्डिंग शुरू से हो गई थी। तो शादी के फौरन बाद कोई मुश्किल नहीं हुई? ठीक है, हुआ कि मैं कोई एक नई जगह पर आ गई, क्योंकि सब शादिया के साथ दोस्ती है, मेरे साथ एक अपना रिलेशन है, और सलान के साथ बहुत दोस्ती है, और फैसल वैसे बहुत लविंग है, तो मेरे ख्याल में नेहा को कोई इतनी मुश्किल पेश नहीं है। अच्छा, भावज बाजू का गुस्से की तेज होती है, या नखरे और नंद भावज का, जो आपने बता दिया शादी की दोस्ती है, मगर दोस्ती अपनी होगी जरूर, मगर रिश्ता तो है ना यार। तो भाभी की, अगर आपने भाभी को एक्सप्लेन करना हो, अब जो आपके फैंस हैं, जो सलमान के फैंस हैं, कि सलमान की बेगम नेहा कैसी है, तो नेहा के सामने जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मतलब बताना हो कि क्या है, कैसी है, कैसी है नेहा? नेहा बहुत लविंग है, और मुझे लगता है उसको अगर प्यार दें तो वो प्यार बांटती है, और वो 10 ज्यादा प्यार करती है, लेकिन गुस्से के भी ये बहुत तेज है। अच्छा, गुस्से के दोनों तेज हैं। तो अच्छा, दोनों में अगर खुदा ना हासा खुदा ना हासा कभी होता है ना घर में, नोकझोंक चलती है, हेल्दी रिश्तों में नोकझोंक चलती है, वो अनहेल्दी हो जाती है ना, बिल्कुल ही लड़ाइयां होना खत्म हो जाए, पता नहीं क्या होता है ना, वो बेसिकली सबसे बड़ी मसला खामोशी है, कुछ दी एंड की तरफ आ जाती है अगर आप खामोश। तो खुदा ना हासा घर में कोई खड़ाक खड़ूक चल रहा हो तो किसकी साइड लेंगे आप, भाई की के भाभी की? परा देखिए, ये बात नहीं, मैं हम सोचते ना, अम्मी सोचती है, मैं सोचती हूँ कि भाई है तो भाई की साइड लेनी है, भाभी है तो भाभी की साइड नहीं लेनी। नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे भाई है। कितनी दफा ऐसा हुआ है मुझे लगा है सलमान गलत है तो मैंने इसको डांटा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो क्योंकि मुझे पता है ये गलत है, जब भी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए कि लड़ाई झगड़े हैं, तो जो राइट पे बहू है तो उसको हम कहें, क्योंकि चाहे वो ठीक भी है तो उसको कहें, लेकिन ये है कि क्वालिटीज भी होती है, सब में क्वालिटीज भी होती हैं। नेहा, सासू माँ ने आपका वलीमे का जोड़ा खुद बनाया था जी, कैसा था जोड़ा में जरा, मतलब ये जो पिक्चर्स लगी हुई है वलीमे की, जी जी, जी जी, तो क्या क्या कुछ इसमें आपने पहना था और कैसा था ये जोड़ा?
ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस था और वो कलर कॉम्बिनेशन से लेके डिजाइनिंग सब कुछ माँ जी ने की और मैं जब मैंने देखा था तो आई वॉज लाइक स्पेलबाउंड और वो इतना रॉयल ड्रेस है आपने पिक्चर्स ये पिक्चर्स हाँ और बेटे के साथ शेरवानी भी सबा जी आपने खुद डिजाइन की है और शॉल जो साथ रखी हुई है दुल्हन के अंदर सब कुछ सब कुछ वाह भाई वाह ज्वेलरी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी डिजाइनर है हाँ बहुत अच्छी डिजाइनर है सारे नेहा के सारे कपड़े अम्मी ने खुद डिजाइन किए आपने इसका निकाह का पता नहीं ये लोग दिखाए नहीं निकाह का जोड़ा इसका व्हाइट कलर का जो यहाँ पे लगी हुई व्हाइट अच्छा वो सबसे ऊपर राइट ये दोनों का अम्मी ने डिजाइन किया और ज्वेलरी की डिजाइन ज्वेलरी की भी अच्छा ज्वेलरी में नथ और टीका जो है वो इरिज सना और बाकी ये सेट जो था वो मेरा और नेहा की मुश्तरका पसंद था अच्छा नेहा साथ गई थी ना ज्वेलरी मैंने कहा इन्होंने पहननी है गले में पहन कर देखे तो वही पसंद की जाए बिल्कुल और कितना अच्छा लग रहा है निकाह कब हुआ था निकाह तो पहले हो गया जी निकाह का भी एक इवेंट था हाँ। तो आपको पता है ये मेरा ड्रेस जो है निकाह का ये भी अम्मी ने किया ये इनका मैंने सारा डिजाइन किया और ये सब कुछ अम्मी ने किया इसीलिए दोनों के मोटिव्स और कलर कॉम्बिनेशन और चीजें जो है वो एक जैसी सबने कहा कि जी हम निकाह पर क्योंकि ये मस्जिद में हुआ था तो उन्होंने कहा हम व्हाइट मैंने कहा व्हाइट कोई नहीं पहनेगा व्हाइट सिर्फ दुल्हा दुल्हन पहनेंगे बाकी सब कलरफुल पहनेंगे तो इनका व्हाइट और उसके ऊपर मैंने काम करवाया था बड़ा अच्छा निकाह मस्जिद में किया निकाह मस्जिद में लेकिन रात में फिर एक कवाली नाइट थी अच्छा बाकायदा एक फंक्शन था बहुत मजा अरे 13 दिन के इवेंट्स का तो बताइए 13 दिन में क्या क्या कुछ किया पहले निकाह से शुरू किया पहला इवेंट जो था फर्स्ट को सबसे पहला जो शुरू किया था मेरी बहन ने अपने घर में ढोलक रखी हुई थी जो कि एक बाकायदा एक बहुत बड़ा इवेंट था ठीक है और थैंक यू सो मच फरा उसने इतना अच्छे से अपने घर को डेकोरेट किया हुआ था और इतनी रौनक लगाई हुई थी तो मेरी दोनों बहनों ने मिलकर वो पहली ढोलक रखी थी ठीक है ढोलक से शुरू हो गया ढोलक से स्टार्ट अच्छा ढोलक के भी कोई खास ड्रेसेस बनाए थे सबके ड्रेसेस थे खास अच्छा। लेकिन नेहा नहीं थी उसमें अच्छा तो सेकंड को फिर मैंने मिलाद रखा था अच्छा जो कि एक बहुत ग्रैंड मिलाद था बहुत अच्छा मैंने सारा डेकोरेट किया फ्लावर्स और फिर नात खाई थी जिन्होंने बहुत अच्छी नाते वाते पढ़ी ठीक है और वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था ठीक है फिर थर्ड को निकाह था दिन में निकाह था मस्जिद में और जुमे का दिन होगा ये कि नहीं वो नहीं अच्छा, अच्छा दिन मुझे याद ही नहीं है दिन नहीं हमने सिर्फ डेट्स देखी थी अच्छा, संडे संडे था सही और रात में फिर कवाली थी कवाली नाइट थी जिसमें ऑलमोस्ट इनकी और हमारी फैमिली के सब लोग नेहा भी आई थी जी जी अच्छा, क्योंकि वो इनकी तरफ से फंक्शन था कवाली का तो हम लोगों ने खूब कवाली बहुत अच्छा फंक्शन था वो भी हमने खूब इंजॉय किया ठीक है फिर फोर्थ को कुछ नहीं था लेकिन फोर्थ को मेरे घर पर सब लोग रात में इकट्ठे थे और डांस प्रैक्टिसेस फिर हम लोगों ने म्यूजिक की एक वो बैठक सी रख ली थी ठीक है फिर फिफ्थ को हम नेहा को माइयों बिठाने गए थे अच्छा जी वो माइयों की पिक्चर है वो जो ऊपर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आखिर में कौन है जो गले मिल रही है और ये जो गले मिल रही है ना पहना हुआ क्या है नेहा ने सिंपल में नेहा ने गोटे की सारी ज्वेलरी जो के सियालकोट से सना ने सब मुझे लेकर आई थी गोटे की है सारी ज्वेलरी ना ठीक है टीका भी झूमर भी कानों के भी और पीले रंग का सिंपल जोड़ा पहना हुआ है सिंपल हाँ और दुपट्टा मैंने बहुत हाँ गोटे वाला दुपट्टा पहना हुआ है और ज्वेलरी फूलों की ज्वेलरी और मेकअप नहीं किया था नेहा मैं चाह भी नहीं रही थी और नेहा को शायद खुद भी नहीं पसंद था तो इसने बारात से पहले के फंक्शंस में नेहा ने मेकअप को इतना लोगों ने बहुत पूछा कि आप किस सैलून से तैयार करवा रहे हैं मेकअप अच्छा नहीं है मैंने कहा भाई मेकअप था ही नहीं लोगों ने क्या कहा निकाह पे लोगों ने कहा ये दुल्हन बन गई है खुद दुल्हन बन गई है इतना तैयार नहीं ये नहीं ये लाल जोड़ा अच्छा। ये फरा ये जो ये वाली पिक्चर है ये जो सब लाइन वाला खड़े हुए हैं तो मैंने अपनी बारात का पहना था अच्छा। तो मैं वाकई में दुल्हन बनी थी ठीक है तो सबने कहा खुद इतना ज्यादा तैयार हुई है और
भाभी को इतना तैयार नहीं किया, उनका निकाह था, बारात तो नहीं थी। सही, तो ये वो इतनी प्यारी लग रही है नेहा। अच्छा, मुसलसल हर इवेंट में डिफरेंट लग रही है, क्योंकि वो सिंपल थी ना, सिंपल बिल्कुल, और बहुत कम लाइट सा इसने मेकअप किया हुआ था। ठीक है, फिर मुझे तो मायू वाले दिन बहुत खूबसूरत लग रही है, हर रोज ही अच्छी लग रही है, मगर इस दिन बहुत ही प्यारी लग रही है। अच्छा, फिर उसके बाद कौन सा इवेंट था? शर्मा रही है, आंखें नीची है, बस कुछ चीजें जो मुझे बहुत पसंद थी नेहा की वो यही थी कि शादी से पहले दुल्हन को थोड़ा सा शर्माना, और वो मुझे अच्छा लगता है, और शायद नेहा को भी पसंद है, तो नेहा उसी तरह रही। ठीक है, और फिर मायू मिठाया, अच्छा मायू में जोड़ा आप लोग खुद लेकर गए, हम लेकर और क्या रस्में की, मतलब जाके जोड़ा दिया, जोड़ा दिया, वो एक बड़ा अच्छा सा सजा के ले गए थे, सादिया वगैरह नहीं, सारा बास्केट को, और परांदा भी था, फौरन परांदा भी पहनकर आ गई, इतनी क्यूट लगी, आ गई, और वो गोटे की ज्वेलरी थी सारी। फिर नेक्स्ट डे आ गया, फिर नेक्स्ट डे आ गया, सिक्स आ गया, सिक्स को कुछ नहीं था, लेकिन हमारे घर में तो फंक्शन था। ठीक है, हमारे घर में तो मेरे ख्याल में 35-40 लोग हर रोज होते, रौनक लगी हुई थी। अच्छा, फिर सेवेंथ को एक्चुअली मेहंदी थी, जो कि फिर फोरकास्ट होगी बारिश की, तो हमने अलेवेंथ आवर पर वो सेवेंथ की बजाय हमने एट्थ कर दी मेहंदी, सबको फोन किए, और वो बड़ा अच्छा हमारा फैसला था। एट्थ को फिर हमारी मेहंदी थी, जो कि बहुत ही अच्छी हुई, लेकिन नेहा शामिल नहीं हुई, ये मायू बैठ चुकी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने जो सब लोगों, अच्छा, मायू बैठने के बाद उठाया नहीं आप लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। वो खुद भी नहीं चाह रही थी, और अच्छा होता है मायू के बाद लड़की फिर घर में ही रहे, खुली छत के नीचे नहीं आते, पुरानी बातें, लेकिन वो उन बातों, इसका मतलब है सासू माँ पुरानी बातों मानती है। अच्छा, मैं भी मानती हूँ, शायद ये भी मानती है, सबीना इनकी मदर भी मानती है। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा। तो मायू के बाद कमरे में बिठाया, तो उनको वो नहीं निकली है खुली छत में? नहीं, मेरा नहीं, घर में तो घूमती रही है, लेकिन बाहर है ना, बाहर नहीं निकली, बाहर कोई नहीं। ओके, हाँ। उसके बाद जनाब फिर आ गई रुखसती, फिर आ गई है, ये एट्थ को फिर मेहंदी थी, फिर नाइन्थ को रुखसती थी, तो रुखसती पे तो आपको पता है दुल्हन कितना आजकल थक जाती है, एक तो सुबह आप 9 बजे का 10 बजे का कॉल टाइम होता है आपका मेकअप का, सैलून का, उसके बाद फिर फोटोशूट का, और 4 बजे फिर मुझे ना ब्रेक का बहुत बुरी जगह पे नेम कहता है हमेशा, और इसी जगह पे ना काफी देर से ब्रेक का कह रहा है, सो ब्रेक जानी है, लेकिन ब्रेक लेनी है, और ब्रेक लेके जब हम आएंगे तो फिर हम आपको, चूंकि पिक्चर्स भी मैंने दिखानी, इसलिए मैंने कहा बारात पे हम रोक के